हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के बीच लेके आया हूँ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन 2019 ऑड का क्वेश्चन बैंक। ठीक है, पहला एमसीक्यू हम लोग देखते हैं ट्रांसफ़र फंक्शन। ठीक है, ट्रांसफ़र फंक्शन ऑफ ए गिवन सिस्टम। ट्रांसफ़र फंक्शन जो होता है वो आउटपुट क्या कैलकुलेट किया जाता है, उससे आउटपुट कैलकुलेट किया जाता है। आपका जो इधर से देखते जाते हैं, पाँच नंबर क्वेश्चन है, ट्रांसफ़र फंक्शन जो होता है वो लैपलास ट्रांसफ़र फॉर्म आउटपुट और लैपलास ट्रांसफ़र फॉर्म इनपुट का रेशियो होता है। मतलब सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। पूछ रहा है किसका रेशियो होता है, लैपलास ट्रांसफॉर्म में आउटपुट का और इनपुट का रेशियो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। इसका ऑटोमेटिक टोस्टर जो है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का एग्जाम्पल है। सात नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। फील्ड कंट्रोल डीसी जनरेटर आपका ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम इज वन इन हुइच द कंट्रोल एक्शन। ओपन लूप में कंट्रोल एक्शन जो होता है इंडिपेंडेंट होता है डिजायर्ड आउटपुट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुइच ऑफ द फॉलोइंग टेंडेंसी टू ऑसिलेट। ऑसिलेट ओपन लूप तो ऑसिलेट होगा नहीं, क्लोज लूप होता है इसमें ऑसिलेट हो सकता है। इसका ऑप्शन ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, आपका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन, द एसी सर्वो मोटर। ठीक है, एसी सर्वो मोटर इज बेसिकली, एसी सर्वो मोटर एक पर जो है आपका वो टू फेज इंडक्शन मोटर है। ठीक है, नंबर क्वेश्चन आपका, एक क्लोज लूप सिस्टम इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ओपन लूप बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। फीडबैक, आप जानते हैं ओपन लूप में फीडबैक नहीं होता और क्लोज लूप में क्या होता है, फीडबैक होता है। आपका क्वेश्चन है, एक कंट्रोलर इसेंशियली इज ए, कंट्रोलर क्या होता है, एक प्रकार वो इसेंशियली एक कंपैरेटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रोपोर्शनल बैंड ऑफ कंट्रोलर इज एक्सप्रेस्ड। प्रोपोर्शनल कंट्रोलर का जो प्रोपोर्शनल बैंड होता है उसको हम लोग गेन में रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन डिजिटल कंट्रोल सिस्टम। डिजिटल कंट्रोल सिस्टम में हम लोग स्टीपर मोटर का यूज करते हैं। द नंबर ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर रिक्वायर्ड फॉर डिजाइन पी आई डी प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव में तीन गो कंट्रोलर का यूज होता है, तीन एम्पलीफायर। विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज सुटेबल फॉर सर्वो मैकेनिज्म। सर्वो मैकेनिज्म के लिए जो आपका थ्री फेज इंडक्शन मोटर सॉरी टू फेज इंडक्शन मोटर सुटेबल होता है। इस सर्वो मोटर हैज द ड्रॉबैक। सर्वो मोटर का ड्रॉबैक मेन रीजन था, इसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत पुअर भी कह सकते हैं, लो भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है सेंसर। सेंसर क्या है, सेंसर इज ए टाइप ऑफ, सेंसर जो है एक प्रकार का ट्रांसड्यूसर होता है, यानी ए ऑप्शन आपका सही है। 19 नंबर, द आउटपुट ऑफ ए फीडबैक कंट्रोल सिस्टम मस्ट बी ए फंक्शन। आपका जो आउटपुट होगा फीडबैक कंट्रोल सिस्टम का वो किसका फंक्शन होना चाहिए, वो आपका इनपुट और फीडबैक सिग्नल का आपका फंक्शन होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनालॉग सेंसर। इसमें से पोटेंशियोमीटर एक्सीलरेटर फोर्स सेंसिंग सर्किट, इसमें से कोई भी एनालॉग सेंसर नहीं है। 20 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसड्यूसर इज यूज्ड टू ऑब्टेन द आउटपुट पोजीशन इन ए पोजीशन कंट्रोल सिस्टम। किसी पोजीशन कंट्रोल सिस्टम में आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग सिंक्रो का यूज करते हैं, सिंक्रो का यूज करते हैं। PLCR test designed for the control of wide variety of manufacturing machine and system. PLC पहला personal purpose industrial computer, दूसरा है personal computer, ये भी नहीं है, दोनों तो हो ही नहीं सकते, एक मिनट। तीसरा electromechanical system, क्या बोला है आपका question, PLCs are test designed for the control of wide variety of manufacturing machine. यानी PLC जो है किस क्यों डिजाइन किया जाता है,
तो अब देखिए, एक स्पेशल पर्पस के लिए इंडस्ट्रियल कंप्यूटर के लिए स्पेशल पर्पस के लिए डिज़ाइन किया जाता है, पर्सनल कंप्यूटर जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, इसके लिए भी डेवलप होता है। और चौथा, इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम के ऑल ऑफ दिस, सभी के लिए डी ऑप्शन सही मारिए।